लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बड़े बाबू, आप यहाँ क्यों आए? बड़े बाबू, रहम कीजिए मुझ पर। बड़े बाबू, आप केस वापस ले लीजिए, मैं जिंदगी भर आपके गुलामी करूंगा। शाहू जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस? बड़े बाबू, आप मदद करेंगे तो मैं पुलिस को भी संभालूंगा, बस आप हाँ कर दीजिए, फिर बेफिक्र होकर गांव चले जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी। क्या कहते हैं आप? रुपए पैसे की चिंता मत कीजिए बड़े बाबू, आपकी बेटी मेरी बेटी है, सारा खर्चा मैं करूंगा। रुपए से आप मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं नहीं बड़े बाबू, मैं तो आपकी बेटी की भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ। अदालत में जाएंगे तो फिर तरह तरह की बातें उठेंगी, बेटी की बदनामी होगी, फिर तो बेटी के हाथ पीले करने की रही सही उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी बेटी की मान सम्मान का सौदा मैं नहीं कर सकता। अब जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। अंधी बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं है, खासकर वो जब बदनाम हो चुकी हो। नमस्ते बड़े बाबू। दीदी, अभिजीत बाबू। तुम जाओ। ये सब क्या है? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभिजीत बाबू। जा रहे हैं? क्यों? और कोई चारा भी तो नहीं, मैं देख नहीं सकती पर इतना जान जरूर सकती हूँ। क्या जान सकती हैं? यही, मेरे माथे पे जो कलंक का दाग लगा है उसको लेके मैं किसी के सामने जाने के लायक। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें आपका तो कोई दोष नहीं। फिर भी रजनी, छुट्टी मंजूर हो गई है बेटी, कल सवेरे ही हम चल देंगे। अरे अभिजीत, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी रजनी से मालूम पड़ा कि आप लोग जा रहे हैं यहां से, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके यहां से चले जाने से वो केस डिसमिस हो जाएगा? क्या करूं, रजनी की तरफ देख नहीं पाता, मेरी फूल जैसी बच्ची पत्थर की मूरत बन गई है, हर वक्त रोती रहती है, उसके आंसुओं से मेरी हिम्मत टूट गई है। इसका यह मतलब है कि आप इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त कर जाएंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, कायरों की तरह मुंह छुपाकर चुपचाप यहां से चले जाएंगे। मैं मजबूर हूं, एक अंधी लाचार बेटी के बाप होने का दुख क्या होता है ये तुम नहीं समझोगे। अभिजीत, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारा कहना मान नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। मेरे माफ करने ना करने से क्या होगा? अगर रजनी को पता चल गया कि साहू जी ने पैसे देकर आपका मुंह बंद किया है तो क्या वो कभी आपको माफ कर सकेगी? साहू जी से मैंने पैसा लिया है ये तुम क्या कह रहे हो? साहू जी ने मुझे भी पैसे भेजे थे, मैंने उन्हें वापस कर दिए, लेकिन बाप होकर यह आपने क्या किया? नहीं नहीं अभिजीत, मैं अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूं मैंने पैसा वैसा कुछ नहीं लिया। तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? सिर्फ रजनी के लिए। कोर्ट में केस चलेगा, वकील तरह तरह की जीरा करेगा, उल्टी सीधी बातें पूछेगा, बातें चारों तरफ फैलेंगी, बदनामी होगी। अब तुम्हें बताओ, सब कुछ सुनकर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? कोई नहीं, सारी जिंदगी मेरी बेटी कलंक की आग में जलती रहेगी, ये मैं सह नहीं पाऊंगा, ये मैं सह नहीं पाऊंगा। सिर्फ यही बात है? हाँ। अगर कोई शरीफ लड़का आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए तो? कहाँ मिलेगा ऐसे लड़का, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूंगा। तुम? हाँ मैं। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रजनी को एक पत्नी की पूरी मर्यादा दूंगा। ये तुम कह रहे हो? रजनी सुन, अभिजीत क्या कह रहा है,
भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने। नहीं बाबा, भगवान ने। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। आप मुझ पर दया कर रहे हैं। नहीं रजनी, दया नहीं। पता नहीं अनजाने में मैं कब तुमसे प्यार करने लगा। मेरी जिंदगी का अभिशाप है। मैं नहीं चाहती मेरा अभिशाप तुम पर भी लग जाए। तुम्हें पाना अभिशाप नहीं रजनी, ये तो मेरा सौभाग्य है। अभिजीत, अभिजीत, रजनी, अभिजीत, रजनी। आवाज सुनिए रजनी, ये परदेशी पंछी बसेरे के लिए घर लौट रहे हैं। आज मुझे भी अपने घर का पता मिल गया। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के सुने आकाश में जैसे एक ध्रुव तारा चमक उठा है, और उस ध्रुव तारे का नाम है जी। बुझा दी? नहीं। तुम्हें कैसा मालूम? मैं उजाले को अंधेरे में ही पहचान लेती हूँ, इसलिए तो आज तुम जैसे उजाले को इन आंखों ने पहचान लिया। सिर्फ पहचाना ही नहीं, आज पा भी लिया। काश मेरी आंखें होती तो जी भर के देखती। क्या देखती? एक ये मेरे देवता का रूप क्या है। रजनी, सुना तुमने, काली राम के केस का फैसला हो गया है आज। क्या फैसला हुआ? 5 साल की सजा हुई है उसे। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तैयारी कर ली? कल ही तो तुम दोनों को सोनापुर जाना है ना? हाँ बाबा, लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के जाने को मन नहीं करता। मेरी चिंता तू मत कर, खुशी की बात यह है अभिजीत को प्रमोशन मिला। वो सोनापुर में 4-4 थानों का इंचार्ज होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अकेले, तुम्हारी देखभाल, तुम भी हमारे साथ चलो ना। पगली कहेगी, मैं तो बीच बीच में आता ही रहूंगा। ये क्या आंसू पोस्टर? आज तो खुशी का दिन है, मेरी बेटी अपने घर जाएगी। ऐसे समय में आंसू नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए। बेटी रो मत। ये रहा हमारा छोटा सा घर। देखो, सामने एक फूलों का बागीचा है, उस पार एक नदी है, और उसके पीछे पहाड़। आओ। ये कमरा? हाँ, ये हमारा ड्राइंग रूम। बहुत सुंदर है ना मकान।
पास मैं देख सकती। तो क्या हुआ? तो मेरी आंखों से देखोगी? हाँ। जब भी देखता हूं तो मैं इन पौधों में पानी देते रहते। क्या बात, क्या है? यूं ही। यूं ही मतलब? वो तुम ही समझोगे। लेकिन मैं समझ गया हूं। क्या समझ गए हो? समझ गया हूं कि तुम चाहती हो कि इन फूलों की तरह हमारे संसार में भी एक छोटा सा हंसता खेलता फूल खिल उठे। बुधवा जी, आज काली वापस आ रहा है, हार का इंतजाम कर। बिल्कुल जी। अबे ओ फूल वाले, दो बढ़िया से हार तैयार कर, छोटे सरकार आ रहे हैं। आइए मुनीराम। आइए आइए शाहू जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्यों मुनीराम, वो लाकिट तो तैयार है, आज काली जेल से छुटकर आ रहा है, हमें उसे लेने जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है सरकार, आपके काम में कभी देर हो सकती है क्या? ये लीजिए। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बना है, बढ़िया बना है। जय बाबा गणेश, सिद्धिदाता गणेश, कृपा करो, बस ये आशीर्वाद दो कि इसे पहनकर काली को सुमति आ जाए। जय बाबा गणेश, जय बाबा गणेश।